स्टूडेंट, आज मैं 10th स्टैंडर्ड का जो थर्ड कहानी है गिल्लू, उसको पार्ट टू के बारे में आज को बताऊंगी। पार्ट वन में अगले दिन अगले क्लास में बोली थी, तो नाउ आई कंटिन्यू द पार्ट टू। पार्ट टू स्टार्ट करने के बाद मैं पार्ट वन के बारे में थोड़ा बोल देती हूँ। पार्ट वन में हम लोग देखे हैं लेखिका महादेवी वर्मा जी अपने घर घर के अंदर एक छोटा सा गिल्हारी को लेके आए थे। आने के बाद उसको मरहम लगा के उसको ठीक करके उसी के पास रख दिए थे और प्यार से उसको गिल्लू कहकर बुलाती थी। और वो गिल्लू महादेवी वर्मा जी के घर में महा खुशी से महा आनंद से रहता था। और जब गिल्लू थोड़ा बड़ा हो गया, लाइक 1 ईयर ओल्ड हो गया, तो महादेवी वर्मा जी को लगा कि गिल्लू के अभी बाहर जाके थोड़ा खेलना चाहिए, क्योंकि गिल्लू बाहर जो अन्य गिल्हारियों लोग थे वो गिल्हारी लोग आके बाहर खड़े होके गिल्लू के उन लोगों का जो लैंग्वेज होता है, जो पशु पक्षियों का लैंग्वेज होता है, उसी के लैंग्वेज में गिल्लू के साथ कुछ बात करते हैं। और गिल्लू भी वो बात महामन लगाकर सुनते हैं। और लेखिका को लगा गिल्लू भी चाहते हैं बाहर जाके खेलना, तो इसीलिए लेखिका गिल्लू को बाहर जाने के लिए व्यवस्था कर दिया था। और गिल्लू भी महा खुशी से बाहर जाते थे, दिन भर अन्य गिल्हारियों के साथ खेलते रहते थे और शाम के 4 बजे के टाइम वो घर आके फिर अपने झूले में झूल जाता था। इतना तक ही हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। नाउ आई कंटिन्यू द पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग देखते हैं, मुझे चौंकाने की इच्छा, मुझे मतलब लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। लेखिका को मतलब वर्मा जी को, गिल्लू चाहते थे वर्मा जी को चौंकाना, मतलब उसको कुछ सरप्राइज देना, जैसे भी हो उसको शॉक देना, ऐसे कुछ मजा करना गिल्लू चाहते थे। तो कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुही की पत्तियों में। जैसे घर में जब छोटे बच्चे रहते थे ना, कभी कभी दे आर प्लेइंग द हाइड एंड सीक विद देयर पेरेंट्स और विद द अदर पर्सन हु वाज स्टेइंग इन होम, तो ऐसे ही गिल्लू भी महादेवी वर्मा जी के साथ हाइड एंड सीक खेलते थे। कैसे खेलते थे? कभी वो पर्दे फूलदान के फूलों में, फूलदान मतलब जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स के अंदर जो फ्लावर रहते हैं उसके पीछे फूलदान के फूलों में छिप। गिल्लू वॉज वेरी स्मॉल, गिल्हारी तो बहुत छोटे होते थे, तो इजिली गिल्हारी अपने आप को उस फूलदान के फूलों के अंदर छिपा लेता था। कभी पर्दे की चुन्नट में, पर्दे मतलब जो कार्टेन हमारे विंडो में होता है, बट डोर में होता है, उसका जो चुन्नट मतलब उसका जो फ्रील आता है ना, उसके चुन्नट के अंदर घुसा लेते थे। और कभी सोनजुही की पत्तियों में, सोनजुही मतलब जूही मतलब वन काइंड ऑफ फ्लावर, दिस फ्लावर इन हम लोग इधर इसको मोगरा बोलते हैं, दिस स्मॉल स्मॉल फ्लावर व्हाइट कलर का होता है, दिस फ्लावर इज अवेलेबल इन समर सीजन, इट्स प्रेग्नेंट, इज वेरी ब्यूटीफुल, स्मॉल स्मॉल फ्लावर व्हाइट कलर का आता है, उसी को हिंदी में जूही बोलते हैं, सोनजूही बोलते हैं। तो लेखिका के घर में एक सोनजूही का पेड़ था, तो लेखिका को चौंकाने के लिए, क्योंकि गिल्ली को लगता है जब गिल्लू छुपा लेगी अपने को तो लेखिका उसको ढूंढना चालू कर देगा, इसीलिए लेखिका के साथ खेलने के लिए गिल्लू कभी उसको फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही के पत्तियों के अंदर खुद को छुपा लेती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। मेरे पास मतलब लेखिका के पास, महादेवी वर्मा जी बोल रही है, नॉट ओनली द गिल्लू, गिल्लू इज नॉट अ सिंगल पेट इन महादेवी वर्मा साहब, बहुत सारा पेट है उसके घर के अंदर, बहुत सारा पशु पक्षी है। महादेवी वर्मा जी सब पशु पक्षी को बहुत ही प्यार करते हैं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। जैसे लेखिका के घर में बहुत सारा पशु पक्षी है, गिल्हारी छोड़ के और भी बहुत सारे पेट है, सभी को लेखिका बहुत प्यार करते हैं और सारे पेट लेखिका को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी लेखिका के साथ एक थाली के अंदर खाने का हिम्मत नहीं दिखाती है। एक थाली के अंदर मतलब एक ही प्लेट के ऊपर लेखिका के साथ वो खाना खाता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, गिल्लू लेकिन इस सबसे अलग था। अपवाद मीन्स हम लोग बोलते हैं ना, ये तुम्हारे नाम का अपवाद है, मतलब ये तुम्हारे लिए कलंक है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो गिल्लू वही, जो उसके अपवाद होता था वही गिल्लू करता था, मतलब जो दूसरे पशु पक्षी जो काम नहीं करने करता था लेखिका के साथ, गिल्लू वही काम वर्मा जी के साथ करते थे। क्या करते थे? मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता।
जब भी लेखी का गिल्लू घर के अंदर रहता था, गिल्ली को पता था लेखी का जब खाने के कब खाने के लिए उसके खाने का घर में जाएगा। जब भी लेखी का खाने के लिए उसको जो खाना का खाने का घर है उधर जाता था, तो गिल्ली तुरंत दौड़ के लेखिका के घर आ जाता था और उसके जो थाली मतलब जो प्लेट के ऊपर खाना दिया होता है गिल्लू चाहता था उस थाली के ऊपर बैठ के लेखिका के साथ खाना खाना। सोचो कितना बड़ा ये है। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। यहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तो लेखिका ने देखा जी नहीं, अगर आप खाना खा रहे हो कोई अगर आपके थाली के ऊपर बैठ जाएगा तो इट इज नॉट गुड, ना आप खाना भी नहीं खा सकोगे और इट इज नॉट हाइजीन ऑल्सो। तो लेखिका ने उसको ट्रेन किया। क्या ट्रेन किया? लेखिका को उसको सिखाया जे नहीं, खाना खाने के टाइम थाली के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, थाली के सामने बैठो, थाली के पास बैठो। तो गिल्लू भी लेखिका जब खाना खाती थी थाली के पास बैठता था और अपने छोटे हाथ से, छोटा छोटा उसका जो हाथ होता है उस हाथ से थाली के अंदर से एक एक करके चावल निकाल कर, चावल मतलब अन्ना सांबर बोलते हो ना आप लोग, तो वो अन्ना एक एक करके राइस निकल कर एक एक करके राइस बहुत सफाई से मतलब बहुत क्लीनली, ऐसे नहीं इतना सारा खाना एक साथ ले लिया नीचे गिर गया, ऐसे मेसी करके नहीं खाता था, बहुत क्लीनली वो खाना खाया करता था। और ये ट्रेनिंग उसने लेखी उसको लेखिका ने ही दिया था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कोई दिन काजू नहीं मिलने पर वो अन्य खाने की चीजों तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका को पता था किल्लू का प्रिय खाद्य काजू था, काजू मतलब कैशियो, तो एवरी डे लेखिका उसको काजू देते थे। अगर कोई एक दिन ऐसा हुआ कि लेखिका उसको काजू देना भूल जाते था तो वो दूसरे खाद्य नहीं अन्य जो खाना होता है वो नहीं खाते थे, और अगर वो खाना उसको दिया गया था तो ऊपर से वो छोड़ के ऐसे ऐसे करके नीचे फेंक देता था, वो नहीं खाता था, उसको काजू ही चाहिए था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी बीच मतलब ऐसे जो काम कार्य चल रहा है गिल्लू के साथ लेखिका का दिन बहम बहुत मजे से चल रहा है, इन बिटवीन लेखिका गॉट एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट के वजह से वर्मा जी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका वॉज नॉट इन देयर रूम, शी दैट टाइम शी वॉज इन हॉस्पिटल। तो लेखिका जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो अगर गिल्लू देखता कोई अगर उसके मतलब लेखी वर्मा जी के कमरे में आकर कोई अगर डोर ओपन करता था तो गिल्लू उसके पीछे पीछे भागता था। गिल्लू को लगता था कि लेखिका ने मतलब वर्मा जी ने डोर ओपन कर रहा है, लेकिन जब उसने देखता ना वर्मा जी नहीं है कोई दूसरा आदमी है तो फिर वो भाग के अपने घोंसले में मतलब उसका जो झूला था उस झूले के अंदर चला जाता था। सब उसे काजू दे जाते परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपने प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाता था। देखो ये एक छोटा सा प्राणी है जो लेखिका को कितना प्यार करता है, जिसका प्रिय खाद्य काजू है, लेखिका हॉस्पिटल में एडमिट था उसको लेखिका को देखने के लिए नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो बहुत मन ही मन बहुत दुखी था। जब कोई उसे देखने के लिए आते थे तो सबको पता है ना, जैसे हम लोग को घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो जब कोई बाहर से आता है हम लोग का घर में तो उसके लिए बिस्किट लेके आता है, चॉकलेट लेके आता है, मिठाई लेके आता है, क्योंकि छोटे बच्चे लोग ऐसा खाना पसंद करते हैं। तो लेखिका के घर में भी जब कोई आता था तो गिल्लू के लिए काजू लेके आता था और गिल्लू को खाने के लिए देता था। लेकिन जब लेखिका हॉस्पिटल में एडमिट था उतने दिन तक गिल्लू ने एक भी काजू नहीं खाया, क्योंकि उसका मन बहुत खराब था, वो लेखिका को देख नहीं पा रहा था। मतलब सिर्फ महादेवी वर्मा जी ही नहीं गिल्लू भी वर्मा जी से बहुत प्यार करते थे, इसी बात से हम लोग को पता चलता है। और हमको कैसे पता चला गिल्लू ने काजू नहीं खाया? जब लेखिका ने वापस आ गया हॉस्पिटल से घर में आने के बाद, जब वो गिल्लू के झूले क्लीन करने के लिए गया तो देखा क्लीन झूले के अंदर बहुत सारा काजू रखा हुआ है, जो काजू गिल्लू को खाने के लिए दिया गया था लेकिन वो एक भी काजू गिल्ली ने नहीं खाया। इसी से पता चलता है कि वो लेखिका को कितना प्यार करता है। मेरे अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को होले होले सहलाता रहता था
मतलब लेखिका जब हॉस्पिटल से घर वापस आ गया तब तब भी उसका तबीयत ठीक नहीं था, तब भी उसको रेस्ट लेना हो रे, वो तब भी रेस्ट लेती थी। तो लेखिका को बिल्लू ने इतना प्यार करता था कि जब लेखिका बिस्तर में लेटा रहता था लेटी रहती थी तो बिल्लू ने उसके सिरहाने मतलब उसके सीन के पीछे बैठकर उसके जो छोटा छोटा नन्हे नन्हे हाथ होता था, पंजा होता है, पंजा मतलब हाथ होता है गिल्लू का जो छोटा छोटा हाथ होता है, उसी हाथ से लेकर लेखिका के सिर पर ऐसे ऐसे करके सिरहाने मतलब सिर के ऊपर हाथ बुल लगाते, जैसे छोटे बच्चों को जब तबीयत खराब होता है मम्मी क्या करते हैं उसके सामने बैठकर उसके माथे के ऊपर हाथ लगाते हैं, उसको प्यार करते हैं। तो गिल्लू भी ऐसे ही महादेवी वर्मा जी को प्यार करता था और मन ही मन उसको गिल्लू भी चाहते थे वर्मा जी जल्दी से जल्दी सुस्त हो जाए। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मी के सीजन में, गर्मी मतलब जब बहुत सारा हॉट सीजन होता है, गर्मी के टाइम में दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज्यादा होता है तो उसी टाइम गिल्लू बाहर नहीं जाते थे खेलने के लिए, उसी टाइम वो क्या करते थे लेखिका जब लिखने के लिए बैठते थे लेखिका के सामने एक सुराही होता है, सुराही मतलब जो वाटर पॉट होता है जो मिट्टी का वाटर पॉट होता है उसी को सुराही बोलता है। सुराही के अंदर हम लोग पानी रखते हैं तो गर्मी के सीजन में अगर सुराही के अंदर पानी रखते हैं तो वो पानी बहुत ठंडा होता है, पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो लेखिका जब टेबल पे लिखने के लिए बैठते थे उसके सामने एक सुराही रखा हुआ करते थे तो उसी सुराही के ऊपर आकर गिल्लू ने लेट जाता था, मतलब वो सुराही का जो बॉडी होता है मिट्टी का जो पॉट होता है जिसके अंदर पानी रखता है उसका जो बाहर का हिस्सा होता है उसके ऊपर गिल्हारी बैठे रहते थे। क्यों? अगर उधर बैठे रहते तो उसको ठंडा भी मिलता है और वो चुप से उधर बैठते भी रहते थे, उसको आराम लगता है। गिल्हारियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब तो गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, गिल्हारी लोग ज्यादा दिन नहीं रहते, सभी का लाइफ का एक्सपेन एक टाइम होता है, जैसे ह्यूमन बींग मैक्स टू मैक्स 70 या 80 ईयर्स तक रहते हैं जनरली, इन जनरली। तो कुत्ते का भी लाइफ स्पैन 12 इयर्स 14 इयर्स तक होता है, ऐसे ही सभी प्राणी का एक एक लाइफ स्पैन होता है, मतलब इतना दिन तक ये लोग जिंदा रह सकता है। तो गिल्हारी का लाइफ स्पैन भी 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होता है, दे आर स्टेइंग ओनली 2 इयर्स, नॉट मोर देन 2 इयर्स, मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स, इससे ज्यादा ये लोग नहीं जिंदा रहते हैं। तो गिल्हारी का भी जाने का टाइम आ गया, अंतिम यात्रा जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, मतलब उसका भी अभी ऊपर जाने का टाइम हो गया, उसका भी मरने का दिन आ गया था। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वो बाहर गया, वो भी बहुत उसका तबीयत बहुत खराब हो गया था। पता है ना सभी को आदमी जब मर जाता है और कोई प्राणी जब मर जाता है तो मरने के पहले उसको थोड़ा बीमार हो जाता है, वो उसका तबीयत खराब हो जाता है। तो ऐसे ही गिल्हारी का भी गिल्लू का भी तबीयत बहुत खराब हो गया था, वो ना बाहर गया खेलने के लिए ना दिन भर वो कुछ खाना खाया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, मैंने मतलब लेखिका ने। पंजे मतलब जैसे हम लोग का जब बुखार होते हैं तो देखना डॉक्टर मम्मी पापा हमारे हाथ पैर देखते हैं ये ठंडा हो गया है नहीं, अगर हाथ पैर ठंडा हो जाता है तो ऑयल लेके ऐसे ऐसे मसलता है हाथ पैर में, इसको गर्म करना चाहिए, अगर हाथ पैर गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे तबीयत भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही गिल्लू का भी तबीयत बहुत खराब था, लेखिका भी बहुत कोशिश कर रहे थे उसको सुस्त करने के लिए। एक बार जब रात हो गया लेखिका ने देखा गिल्लू का जो पंजा मतलब जो हाथ है वो बहुत ठंडा हो गया, तो लेखिका सोचा चलो एक बार उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो लेखिका ने हीटर जलाकर, हीटर मतलब यू नो हीटर इज द जिस छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं और गर्म करते हैं, अभी इतना यूज नहीं होता है लेकिन पहले बहुत यूज होता था हीटर का। हीटर जलाकर उसका हाथ में उष्णता मतलब उसको थोड़ा गर्मी देने की कोशिश की, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वो चिर निद्रा में सो गया। लेखक ने बहुत कोशिश किया गिल्लू को ठीक करने के लिए, लेकिन इतने कोशिश करने के बावजूद भी जब प्रभात के पहली किरण मतलब जब सुबह हुआ सूर्य जब सनराइज हुआ तो सनराइज को जो पहला किरण है जो पहला रे होता है हमारे पृथ्वी में आता है जब उस टाइम में लेखिका देखा गिल्लू का भी ध्यान हो गया, मतलब गिल्लू भी खत्म हो गया, उसका भी अंतिम यात्रा हो गया, उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। जैसे जैसे घर में हम लोग पेट रखते हैं, अगर उस पेट
मर जाता है और उस पेट को हम किसी को दे देते हैं, तो उसका जो यूजेस जो सामान वो यूज करते जिस थाली में खाते वो हम लोग फेंक देते हैं, जहाँ जिस बिस्तर में सोते हैं उसको भी अच्छा से क्लीन करके कसाई फेंक देते हैं, और कहीं भी रख भी देते हैं अगर नेक्स्ट टाइम कुछ पेट आएगा तो उसको भी यूज करवा देंगे। इसी के बहाने हम लोग कुछ करते हैं। तो इसे उसको जब वो जब मर गया तो लेखिका ने क्या किया, उसको झूला उतर कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दिया गया था। मतलब जो जाली पहले खोल दिया था, खिड़की के जाली खोल दिया गया था, मैं पार्ट पार्ट में बोली थी आप लोगों को, लेखिका क्या किया था, गिल्लू को बाहर जाने के लिए रास्ता बनाना था इसीलिए खिड़की का जाली खोल दिया गया था, उस जाली से ही गिल्लू बाहर आना जाना करता था। जब गिल्लू ही मर गया तो वो जाली रखने का कुछ ये नहीं है, तो वो जो रॉड निकल गया गया था वो रॉड फिर से लगा दिया। चिक चिक करती ही रहती है और सोनजू ही खिलती ही रहती है, परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी मतलब जो फ्रेंड के साथ गिल्लू बाहर जाके खेलती थी उस फ्रेंड को पता नहीं था कि गिल्लू मर गया। तो इसीलिए वो फ्रेंड लोग क्या करते थे, एवरीडे जैसे वो लोग बाहर आके चिल्लाते थे वैसे ही चिल्लाना चालू कर दिया, लेकिन गिल्लू तो नहीं था, कौन बाहर जाएगा, और सोनजू ही खिलती ही रहती थी। सोनजू ही मतलब वो मैंने बोला जो मोगरा का फूल होता है गर्मी के सीजन में, वो फूल का जो पेड़ होता है गिल्लू बहुत प्यार गिल्लू को बहुत पसंद था वो पेड़, क्योंकि कभी कभी लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू उस पेड़ के पीछे जाके खिलते रहते थे। तो उस पेड़ भी जैसे था वैसे ही था, क्योंकि हम लोग को भी पता है आदमी जब चला जाता है वो जो आदमी जाता है उसके लिए घर वालों को दुख होता है, लेकिन सब कुछ एज इट इज रहता है, सुबह होता है शाम होता है हम लोग खाना खाते हैं लेकिन मन में दुख रहता है। वैसे ही लेखिका ने यही समझाना चाहा कि गिल्लू चला गया लेकिन कुछ बदला नहीं, सोनजुही का पेड़ जैसा था वैसा ही था, गिल्लू का जो फ्रेंड्स बाहर बुलाने के लिए आते थे वो भी आते हैं, क्योंकि गिल्लू जाने के लिए किसी को कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, इट इज द रूल्स ऑफ नेचर, यही नेचर का रूल्स होता है, जो चला जाता है वो चला जाता है लेकिन नेचर का लिए इसलिए नेचर को कुछ चेंजेस नहीं होता है। सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, समाधि मतलब मर जाने के बाद जिधर हम लोग मिट्टी देते हैं। लेखिका गिल्लू को कहाँ मिट्टी दिया था, लेखिका गिल्लू को सोनजुही पेड़ के नीचे मिट्टी दिया था, क्योंकि गिल्लू को वो पेड़ बहुत पसंद था। और लेखिका क्यों दिया था, लेखिका एक दूसरे सोच में दिया था, क्या सोच था, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही के पीवार छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। दो कारण में उस सोनजुही की लता के नीचे लेखिका गिल्लू को समाधि किया। पहला कारण क्या था, पहला कारण था गिल्लू को वो पेड़ बहुत पसंद था इसीलिए उस पेड़ के नीचे उसको चिर निद्रा में सुला दिया गया। और दूसरा क्या सोचता लेखिका वॉज थिंकिंग, महादेवी वर्मा सोचते थे कि वो छोटा सा प्राणी एक दिन उसका, वो वर्मा जी के खुद की सोच थे जो शायद ये छोटा सा प्राणी एक दिन सोनजुही की लते के ऊपर फूल बनकर आएगी और उसे देखकर मेरे मन खुश हो जाएगा, ये सोचकर भी लेखिका ने गिल्लू को सोनजुही पेड़ के नीचे समाधिस्थ किया है। तो यही है आज का स्टोरी, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द स्टोरी। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रिंट आउट के रूप में जैसे पहले भेजती थी वैसे ही भेज दूंगी, लेकिन एक बार इसका जो वन वर्ड आंसर है वो एक बार आपके साथ में रट लेती हूँ। लेखिका ने कहो कि क्यों विचित्र पक्षी कहा है, क्योंकि कौए को कभी हम लोग आदर करते हैं कभी अनादर करते हैं इसीलिए कौए को विचित्र प्राणी कहा है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के संधि पर पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू को घावों पर क्या लगाया, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू के नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था, गिलहरी का लघु गात कागज के लिफाफे के अंदर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा, लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था, गिलहरी गर्मी के दिनों पर सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों के जीवन अवधि सामान्यता कितनी होती है, 2 वर्ष तक होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है, गिलहरी की समाधि सोनजुही लता के नीचे बनाई गई है। आज के क्लास इतना तक ही रखती हूँ, मुझे आशा है आप सबको समझ में आ गया।
तब तक के लिए थैंक यू।